प्रो कबड्डी सीजन 8 का सेमीफाइनल एक पटना पायरेट्स वर्सेस यूपी ओदा के बीच में खेला जाएगा एंड ये महा मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है, इस मुकाबले में दोनों टीम्स का स्टार्टिंग सेवन रह सकती है, दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोनों टीम्स को एनालाइज करने वाले पूरा मैच को डिटेल में प्रीव्यू करेंगे। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पटना एंड यूपी का सेमीफाइनल मैच हमें देखने को मिल सकता है। दो चीजें कि यहाँ पे एक अच्छी बात है कि पटना पायरेट्स एंड यूपी का बैटल हमें इतना नॉकआउट मैच में देखने को मिल रहा है एंड एक बैड न्यूज ये है कि पटना यूपी की टीम फाइनल में नहीं खेल सकती है। लेकिन कुछ भी हो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इस मैच के प्रीव्यू के मेन्यू को बता दूं कि आखिर कौन कौन से पॉइंट्स की बात करने वाले, यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स की बात करने वाले। सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन के बारे में बात करेंगे, देन दोस्तों यहाँ पे हम दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ नजर डालेंगे, देन दोस्तों यहाँ पे हम दोनों टीम्स को एनालाइज करने वाले, देन दोस्तों यहाँ पे हम कॉन्टेस्ट वॉच आउट यानी कि बैटल करने वाले प्लेयर्स बैटल कि कौन से प्लेयर्स के बीच में बैटल देखने को मिल सकता है, देन दोस्तों यहाँ पे हम फाइनली एंड में मैं अपने 3 प्रेडिक्शन करने वाला हूं कि इस मैच के रिगार्डिंग मेरे क्या प्रेडिक्शन रह सकते हैं। तो गाइस फटाफट यहाँ पे मैं आपको दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं पटना पायरेट्स के, तो गाइस पटना पायरेट्स के स्टार्टिंग सेवन में देखने को मिल जाएंगे सचिन तनवर, नीरज कुमार, सजिन सिंह, प्रशांत कुमार राय, मोनू गोयत, सुनील एंड मोहम्मद रेजा चियाने। ये पटना पायरेट्स की मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म है कि ये स्टार्टिंग सेवन देखने को मिल सकती है। सभी मेन प्लेयर्स है, कॉर्नर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, कवर भी स्ट्रॉन्ग है एंड 3 रेडर्स जो सचिन तनवर, प्रशांत कुमार राय एंड मोनू गोयत रहने वाले। अब दोस्तों बात करते हैं यूपी योद्धा की, तो गाइस यहाँ पे यूपी योद्धा के स्टार्टिंग सेवन में देखने को मिल जाएंगे प्रदीप नरवाल, आशु सिंह, शुभम कुमार, श्रीकांत यादव, सुरेंद्र गिल, नितेश कुमार एंड सुमित। ये यूपी योद्धा की मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में स्टार्टिंग सेवन रह सकते हैं, जहाँ पे श्रीकांत यादव की स्टार्टिंग सेवन के अंदर की एंट्री हो जाने वाली है एंड मेरे अकॉर्डिंग यही स्टार्टिंग सेवन रह सकती है। अब दूसरा मैं बढ़ते अपने हेड टू हेड राउंड की तरफ यानी कि हेड टू हेड में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो गाइस अब पटना पायरेट्स एंड यूपी योद्धा के बीच में अब तक पीकेएल हिस्ट्री में टोटल 10 बार मैचेस हो चुके हैं, जहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम 5 बार जीती है एंड वहीं पे यूपी योद्धा की टीम 4 बार जीती है एंड एक बार जो मैच है वो यहाँ पे टाई में एंड हुआ है। तो देखा जाए तो हेड टू हेड में पटना पायरेट्स की टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन इस सीजन की बात की जाए तो इस सीजन में दोनों टीम्स के बीच में 2 बार मैचेस हो चुके हैं। जब पहली बार टक्कर हुआ था तो वो मैच यूपी योद्धा की टीम ने लास्ट रेड में मैच जीत लिया था, सुरेंद्र गिल ने मतलब कि बोनस पॉइंट लेके मैच को जिता दिया था एंड जब दूसरी बार मुकाबला हुआ था यूपी योद्धा एंड पटना पायरेट्स के बीच में वो मैच पटना पायरेट्स की टीम 2 पॉइंट से जीती थी। तो यहाँ पे राइवलरी बहुत ही खतरनाक चल रहा है, स्पेशली प्रदीप नरवाल अपने फॉर्मर टीम पटना पायरेट्स के खिलाफ वो भी इतने बड़े गेम सेमीफाइनल में खेलने वाली है। अब दूसरा पे दोनों टीम्स को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटना पायरेट्स के, फटाफट यहाँ पे मैं आपको पटना पायरेट्स के कुछ मेजर पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले जो रेडिंग डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2 यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं सचिन तनवर, प्रशांत कुमार राय एंड मोनू गोयत एंड वहीं पे दूसरी तरफ सचिन तनवर, प्रशांत कुमार राय एंड गुमान सिंह, ये 2 में से कोई भी पैर यहाँ पे खिलाए क्या ही परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आपको याद होगा जब दबंग दिल्ली के खिलाफ पटना पायरेट्स की टीम अपनी बेंच टीम के साथ खेली थी, कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर्स जिनका नाम हम जानते भी नहीं थे, उसमें भी मैच कितना क्लोज गया था। दबंग दिल्ली की टीम 3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट से मैच जीती थी। तो पटना पायरेट्स के हर एक प्लेयर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे, तो यहाँ पे रीडिंग में कोई भी इशू निकल के नहीं आ रहा। बात की जाए डिफेंस की तो यहाँ पे डिफेंस भी काफी तगड़ा है, नीरज कुमार हो गए, सचिन चंद्रशेखर हो गए, सुनील हो गए, मोहम्मद रेजा चियान हो गए, चारों के चारों डिफेंडर्स काफी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं एंड शुभम सिंधे को बुला लीजिए वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो पटना पायरेट्स की टीम प्लेयर्स एंड स्टेट्स के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बस एक चीज यहाँ पे इनको बीट कर सकती है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मेरी टीम स्ट्रॉन्ग है, हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे गलतियां कर सकते हैं पटना पायरेट्स की टीम। ऐसा तो नहीं लीग स्टेजेस में सभी मैचेस जीती है, कई सारे मैचेस जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने पटना को लगातार हराया इस सीजन, तो यहाँ पे पटना पायरेट्स को डिफेंस में गलती नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस पटना पायरेट्स के पास काफी ज्यादा है, जहाँ पे नीरज कुमार हो गए, प्रशांत कुमार राय हो गए, मोनू गोयत हो गए, जो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलते हैं बड़े बड़े मैचों के लिए, तो यहाँ पे पटना को काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं यूपी योद्धा की, तो गाइस यहाँ पे यूपी योद्धा की टीम एक परफेक्ट टीम है पटना पायरेट्स को टक्कर देने के लिए। लास्ट मैच में प्रदीप नरवाल का फॉर्म आने के कारण यहाँ पे यूपी योद्धा की टीम एक लेवल और अप हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे प्रदीप नरवाल का फॉर्म पटना पायरेट्स को काफी ज्यादा नुकसान दे सकता है। बिकॉज यहाँ पे प्रदीप नरवाल का जब फॉर्म चलता है
तो यहाँ पे सामने वाली टीम की जो डिफेंस है वो यहाँ पे टूटती है एंड एडवांस टेकल जरूर करती है। तो यहाँ पे पटना पायरेट्स के डिफेंस को सही से खेलना होगा, एडवांस टेकल ना करे, जो पॉइंट्स लीक ना करे, तभी यहाँ पे यूपी ओदा के रेडर्स को रोक पाएगी। डिफेंस भी फॉर्म में आ चुके, जहाँ पे नीतीश कुमार सुमित का फॉर्म चल रहा है, सुमित ने लास्ट मैच में हाई फाई स्कोर किया था, नीतीश कुमार ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, आशू सिंह एंड शुभम कुमार भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे, लास्ट मैच में आशू सिंह ने भी अच्छा खेला, तो डिफेंस में कोई ज्यादा इशू निकल के नहीं आ रहा। एंड यहाँ पे रेडर्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, जहाँ पे प्रदीप रवाल हो गए, सुरेंद्र गिल हो गए, दोनों रेडर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो यहाँ पे यूपी योद्धा की टीम भी काफी ज्यादा टक्कर देगी पटना पायरेट्स को। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर राउंड की तरफ, यानी कि प्लेयर्स बैटल की तरफ। आखिर कौन से प्लेयर्स के बीच में हमें बैटल देखने को मिल सकता है? यहाँ पे दो बैटल मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। जो सबसे पहला बैटल है वो है प्रदीप रवाल वर्सेस सुनील का। प्रदीप रवाल एक तरफ एंड एक तरफ सुनील जो राइट कॉर्नर के डिफेंडर है, एंड लेफ्ट कॉर्नर पे चियाने भी देखने को मिल जाएंगे। अगर प्रदीप रवाल लेफ्ट साइड भी टारगेट करते तो यहाँ पे चियाने भी रहने वाले, कवर्स में सजिन रहने वाले, नीरज कुमार रहने वाले। किस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखाते वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। देखा जाए तो प्रदीप रवाल वर्सेस पटना पायरेट्स डिफेंस किस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखाते वो तो हमें आज के मैच के टाइम ही पता चलने वाला है। एंड जो दूसरा बैटल है वो है सचिन तनवर वर्सेस यूपी योद्धा कॉर्नर्स, यानी कि नीतीश एंड सुमित कुमार के बीच में बैटल देखने को मिल जाएगा। वहीं पे सचिन तनवर क्या ही परफॉर्मेंस दिखा रहे, अटैकिंग रेडर है, एंड वहीं पे नीतीश भी क्या ही फॉर्म में दिख रहे, सुमित तो कातिल है, परफॉर्मेंस दिखा रहे। तो यहाँ पे किस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखाते हैं सचिन वो तो हमें आज के मैच ही में पता चलेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रेडिक्शन राउंड की तरफ, आखिर इस मैच के रिगार्डिंग मेरे क्या प्रेडिक्शन रह सकते हैं। मेरे प्रेडिक्शन अजीब ही रहते एंड ज्यादा चांसेस है कि वो यहाँ पे गलत ही हो गए। तो फटाफट यहाँ पे मैं आपको अपने तीन प्रेडिक्शन बता देता हूँ। जो मेरा सबसे पहला प्रेडिक्शन है कि ये मैच पूरी तरह डिफेंस का मुकाबला होने वाला है, यानी कि डिफेंस दोनों टीम्स के चढ़ के परफॉर्मेंस दिखाएगी एंड रेडर्स में भी उस हिसाब का परफॉर्मेंस ना दिखा पाए। एंड जो मेरा दूसरा प्रेडिक्शन ये है कि तीन डिफेंडर्स हाई फाई स्कोर करेंगे सेमीफाइनल एक में, दोनों टीम्स के जितने भी डिफेंडर्स से मिला लिया जाए, यानी कि तीन डिफेंडर्स को हाई फाई मिलेगा। अगर मेरा पहला प्रेडिक्शन सही हुआ तो दूसरा प्रेडिक्शन तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। एंड जो मेरा तीसरा प्रेडिक्शन है ये मैच टाई में एंड होगा। ये बहुत रेयर होता है कि यहाँ पे मतलब कि नॉकआउट मैच में कोई टीम मतलब टाई खेले, यानी कि सेमीफाइनल प्लेऑफ में एक बार हुआ था यूपी एंड बेंगलोर का मैच में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये मैच टाई में जा सकता है। अब टाई होगा तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, एक्स्ट्रास मिलते हैं, 6 मिनट का टाइम मिलता है एक्स्ट्रा टाइम, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैच टाई में जाएगा। अगर ये मेरा तीसरा प्रेडिक्शन सही हो गया तो ये सीजन मेरा बिल्कुल बेहतरीन जाएगा, वो भी प्रेडिक्शन के मामले में। एंड हाँ गाइस, ये मैच कौन सी टीम जीत सकती है आपको जानना है कि मेरी क्या थॉट है। तो गाइस यहाँ पे मैं किसी भी टीम को प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। पटना भी मेरी फेवरेट है एंड प्रदीप रवाल भी मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो यहाँ पे 50-50 है। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीत सकते हैं, कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है, आप फटाफट जाइए कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोल डाल दिया है, फटाफट जाके आप अपनी फेवरेट टीम को वोट दे दीजिए। तो गाइस हो गई पैन करते हैं, आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।